आज इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 66 की डिक्टेशन बोलने वाला हूं, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, यदि आप अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां दिखा रही हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं। इनकी बुक भी मेरे पास में है, बुकों को आप ले सकते हैं। एडवांस आउटलाइन स्वयं मैंने तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। उनसे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। पैराचेंज। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व तो इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा न हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है।
यदि मूंगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है, फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।